हेलो एवरीवन, मैं एमके जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल स्टडी सेंटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कहते हैं चिंता चिंता के समान होती है, तो इसी विषय पर एक प्यारी सुंदर सी कहानी आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक बिजनेसमैन था और वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके पास नौकर चाकर गाड़ी धन दौलत सब मौजूद था, लेकिन वह हमेशा चिंतित रहता था। और उसी के पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था जो दिन के दो वक्त का खाना ही जुगाड़ कर पाता था, लेकिन वह अपने परिवार के साथ हंसता खेलता घूमता जीवन बिताता था। यह देखकर वह बिजनेसमैन को हमेशा मन में तकलीफ होता था कि मेरे पास सब कुछ रहते हुए भी मैं दुखी हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं, फिर भी वो इतना सुखी क्यों है। एक दिन की बात है, वह बिजनेसमैन अपने मैनेजर को बुलाता है और बुलाकर कहता है, वो जो पड़ोस में आदमी है उसको देख रहे हो ना, वह इतना खुशी सुखी क्यों है और मैं इतना दुखी क्यों हूँ, जबकि मेरे पास सब कुछ मौजूद है। तब वह मैनेजर बोलता है कि मालिक, मुझे मालूम है, और आप उसे अगर दुखी देखना चाहते हैं तो कृपया बताइए, मेरे पास एक योजना है। और वह योजना बिजनेसमैन को बतलाता है। रात्रि के समय दोनों 99,000 रुपया एक थैली में बंद कर और उस व्यक्ति के दरवाजे के सामने रखकर चले आते हैं। जब सुबह होता है तो वह व्यक्ति जैसे दरवाजा खोलता है, पहली नजर उसका उस थैले पर पड़ती है और वह थैला जाकर खोलता है और देखता है वह थैला रुपयों से भरा पड़ा था। वह दाएं बाएं देखता है और सामने देखता है, दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आता है, और वह थैला लेकर घर के अंदर आकर दरवाजा बंद कर देता है और अपनी पत्नी को बुलाकर वह उस रुपयों को गिनने लगता है। दोनों जब उस रुपये का हिसाब करते हैं तो कुल 99,000 रुपया होता है। पत्नी पति से कहती है, आपने गिनती गलत की होगी, इसे गिनिए। और वे लोग कई बार उस रुपये को गिनते हैं मगर वह रुपया 99,000 ही होती है। अब उस व्यक्ति और उसके परिवार के ऊपर मानो विपत्ति पड़ गई थी। वह हमेशा बात बात पर डर जा रहा था कि कहीं कोई आकर यह न कहे कि वह पैसा मेरा है। वह परिवार सारा दिन तक चिंतित था और रात होता है, सोने का समय होता है तो वह सोता है, लेकिन चढ़ा सी आहट पे वह दरवाजे की तरफ देखता है और फिर अपने रखे हुए पैसे के थैला पर देखता है कि सब कुछ ठीक है ना। इस तरह वह दिन गुजर जाता है और वह कई दिनों तक चिंतित रहता है कि कहीं कोई थैला मांगने न आ जाए। और इधर बिजनेसमैन के घर उसके बाद दिन सुबह सुबह मैनेजर आता है और कहता है, चलिए जरा उस व्यक्ति के घर का नजारा देखा जाए। जब मैनेजर और बिजनेसमैन छत के ऊपर जाते हैं और उसके घर की ओर देखते हैं तो वहां का नजारा अब बदल गया था। वहां ना तो हंसी खुशी थी, ना कोई गीत था, अब तो केवल
कैंसर और चिंता थी। वे लोग बहुत चिंतित थे। इस तरह बिजनेसमैन जब देखता है तो उसके मन में संतोष होता है, और उधर कई दिन बीत जाने के बाद वह जो भी व्यक्ति रोजगार करता था वो खाने पीने में खर्च हो जाता था, लेकिन वह 1,000 रुपया इकट्ठा नहीं कर पाता है। तब वह अपनी पत्नी से कहता है कि हमें अपने काम को छोड़कर दूसरा कोई काम करना चाहिए। तो वह दोनों यह निर्णय करते हैं कि इतने दिन काम करने के बाद भी हम लोग 1,000 रुपया इकट्ठा नहीं कर पाए तो हमारे शहर में जो बिजनेसमैन है उसी के पास जाकर कोई नौकरी मांग लेता है। और वह बिजनेसमैन के घर जाता है और कहता है, मालिक मुझे आपके पास कोई काम है तो मुझे काम पे रख लीजिए। बिजनेसमैन हंसता है और कहता है, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा काम था और मैंने सुना है तुम तो हमेशा खुश रहते हो उस काम से, फिर अचानक क्या आवश्यकता आ गई कि तुम मेरे पास नौकरी मांगने चले आए। तो वह कुछ नहीं कहता है, वह कहता है, नहीं मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, कृपया आप मुझे एक काम दे दीजिए। बिजनेसमैन उसे काम पे रख लेता है और उसे हमेशा देखते रहता है। अब वो पहले की तरह नहीं था, अब उसके चेहरे में न हंसी थी और गाना तो मानो वो भूल ही गया था, बस यही ध्यान रहता था कि कैसे कमाकर 99,000 को 1,00,000 में बदलो। इसी चिंता से उसे न ठीक से भूख लगती और न कोई चीज सुस्ता था। यह देखकर बिजनेसमैन के भी मन में दया आ जाती है। और एक दिन जब वो घर पे रहता है तो बिजनेसमैन अपने मैनेजर को लेकर उसके घर पर पहुंचता है और अपने दरवाजा पर वह व्यक्ति अपने मालिक को और मैनेजर को आते देखकर उसका स्वागत करता है और घर में ले जाकर बैठाता है। वहाँ बिजनेसमैन देखता है अब पहले जैसा कुछ नहीं था, ना वह अपनी पत्नी से प्यार से बात करता है और जब बच्चा आता है दौड़ते हुए पापा 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 कहकर कि कहानी सुनाओ या एक गीत सुनाओ तो अपने पुत्र को भी झटक देता है। यह देखकर बिजनेसमैन कहता है कि भाई मुझे तुम क्षमा करना, मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो तुमसे तुम्हारे सुख को छीन लिया हूँ। ये 1,000 रुपया पकड़ो और 99,000 रुपया जो था वह भी मैं ही तुम्हारे घर के दरवाजे पर छोड़ गया था, और अपना 1,00,000 पूरा करो और कल से काम पे आने की जरूरत नहीं, अपना पहले जैसा जीवन तुम व्यतीत करो। आज मैं यह समझ गया कि चिंता का मुख्य कारण क्या है। चिंता का मुख्य विषय है यह 99 का चक्कर। आज तक मैं चिंतित इसीलिए हूँ कि मेरे पास 99 होता है और 1 का मैं बंदोबस्त करने में चिंतित रहता हूँ, तो मुझे माफ कर देना। तो दोस्तों यह था आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और हाँ अपने मित्रों में अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर यह जरूर लिखिए कि इस कहानी से आपकी चिंता दूर हुई कि नहीं, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय और हंसते मुस्कुराते रहिए।